हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल एंड वेलकम यू ऑल गाइज माइ से स्वागत आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन की हमारी कॉन्सेप्ट्स विद द कंसर्न एमसीक्यूज जी हां गाइस यूजीसी नेट पेपर वन की हमारी जो दस यूनिट है उन दस यूनिट्स में से एक यूनिट है हमारी कॉम्युनिकेशन और जो कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि कॉम्युनिकेशन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है क्योंकि हर स्टूडेंट हर पर्सन इस दुनिया

कम्युनिकेशन की जो हमारी कॉन्सेप्ट है फॉर्मल कॉम्युनिकेशन क्या है इनफॉर्मल कॉम्युनिकेशन किसे कहते हैं इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन क्या है और इंट्रापर्सनल कॉम्युनिकेशन क्या है कॉम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है उस प्रोसेस में कौन सा स्टेप आपका पहले रहता है सेकेंड स्टेप क्या होता है तो आइए स्टूडेंट्स आज हम इस क्लास में इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को एम सी के फॉर्म में समझेंगे कि एम के द्वारा हम हमारी जितने भी कॉम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे समझेंगे तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट लाइव आइए जुड़िए हमारे साथ और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को हेलो स्टूडेंट्स हेलो मोहित हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियाँ यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसी है सेकंड की कैसी है बताएं स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट फट एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट ताकि हम अपने सेशन को जल्दी से स्टार्ट करें और आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन हमारे कंसर्न एम के साथ जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर कोई स्टूडेंट नया है फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तो मोहित कैसी चल रही है आपकी स्टडी आयो ऑडिबल ऑडियो विजुअल क्लियर है गाइस फटाफट आंसर कीजिए जगदीश्वरी हेलो एवरीवन ऑडियो विजुअल क्लियर है चलो जी ऑडियो विजुअल क्लियर है तो हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट तो गाइस जैसे कि आपको फर्स्ट अपने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा अ मैसेज कैन ऑनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन कि एक संदेश को तभी प्रभावी माना जा सकता है जब बताएं स्टूडेंट्स कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते तो कम्युनिकेशन करते हुए जो एक मैसेज है वो उस मैसेज को इफेक्टिव कब माना जाएगा जब क्या हो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यूज्ड कि अगर जो आपके कम्युनिकेशन के स्किल्स है वो आपने अच्छे से यूज किए हो राइट right? सेकंड आपका रिपीटेड बैक एज प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ के प्रमाण के रूप में दोहराया गया है राइट right? थर्ड है आपका अंडरस्टूड बाय रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड लास्ट ए डिलीवर्ड इन द इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एक कम्युनिकेशन में जब हम मैसेज जो दे रहे हैं तो उस मैसेज को इफेक्टिव कब माना जाएगा मोहित सिंह का आंसर आ चुका है बहुत सबसे पहले और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आप सब भी आंसर कीजिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे तेज़ आता है तो एक मैसेज को इफेक्टिव कब माना जाएगा जब क्या है वो अंडरस्टूड बाय द रिसीवर यानी कि जिसके लिए वो मैसेज दिया गया है अगर वो पर्सन वो रिसीवर उस मैसेज को क्या है रिसीव कर ले और उसको समझ ले एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स डिजायर्ड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि सेंडर ने जिस भाव से अपने उस संदेश को दूसरे व्यक्ति के सामने रखा है अगर रिसीवर भी सेम उसी भाव से उन बातों को उस मैसेज को समझ लेता है वही सेम रिस्पॉन्स करता है तो दैट्स कॉल्ड और मैसेज क्या है आपका इफेक्टिव यानी कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी संदेश को इफेक्टिव कब माना जाएगा कि जब जो रिसीवर है उस मैसेज को समझ भी ले और उसी वे में उसी भाव से समझे जिस भाव से आप अपनी बात को कहना चाहते हैं तो सी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही सी इज द राइट आंसर मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एप्लीकेबल इन द कंटेक्सट ऑफ इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन के केस में कंटेक्सट के केस में इनमें से कौन सी फीचर आपकी एप्लीकेबल होती है गाइस पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में क्या है कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरपर्सनल यानी कि दो लोग हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब क्या हो कॉम्युनिकेशन हो दैट्स कॉल्ड योर इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन तो इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन के केस में इनमें से कौन से फीचर आपको सही लगती है फॉर गिवेबल फॉर गेटेबल रिवर्सिबल और इन रिवर्सिबल बताएं स्टूडेंट्स फटाफट फड़। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए क्या आंसर रहेगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहना चाहिए हरिअप बता रहे तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के केस में इनमें से आपका एप्लीकेबल होगा जी इरिवर्सिबल क्या होगा इरिवर्सिबल इज द राइट आंसर यानी कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो जो भी वर्ड्स जो भी बात एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने रख रहा है उस संदेश को क्या है हम दोबारा से वापिस नहीं ले सकते हैं उसको हम दोबारा से वापिस नहीं यानी कि उसको हम उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते उसमें किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं रिवर्सिबल नहीं आएगा गाइस। पूनम एंड मोहित सिंगला दोनों का आंसर पूनम का आंसर आया है फोर गिवेबल एंड मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है सी ये आंसर सही नहीं है गाइस जैसे कि हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है राइट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या हो रहा हो आपका कॉम्युनिकेशन दैट इज योर इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन राइट तो अगर एक पर्सन अब जैसे मैंने आपको कोई भी बात कही है कोई भी मैसेज आपकर मैं आपको दे रही हूँ तो उस मैसेज में मैं क्या है दोबारा से चेंज नहीं कर सकती वो कहावत है ना कि एक बार जो जुबान से शब्द निकल जाए वो उन शब्दों को हम दोबारा वापिस नहीं ले सकते हैं तो सेम यहां पर भी वही बात है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो मैसेज एक बार दे दिया जाए उस मैसेज को हम दोबारा से रिवर्स नहीं ले सकते उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं तो इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन का आंसर होगा जी डी डी इज द राइट आंसर आई होप आपको समझ में आएगा कि इन क्यों है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर संचार के आवश्यक घटक हैं फर्स्ट है सोर्स मैसेज इंटरफेरेंस चैनल रिसीवर फीडबैक एंड कंटेक्स्ट सेकंड है साइन सोर्स डेस्टिनेशन इंटरेक्शन एंड कॉन्लेसन थर्ड है साइन सिंबल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड कॉम्युनिकेंट डी है आपका सिंबल्स अंडरस्टैंडिंग पर्पज आइडियाज ओपिनियंस नॉन वर्बल एंड रिएक्शन ओके जी ओके okay, पूनम पटियाल को समझ में आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाफट फड़ बताइए क्या आंसर रहेगा असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्युनिकेशन संचार के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं ए बी सी या डी कौन कौन से घटक होते हैं एक संचार के यानी कि जब हर कोई पर्सन गाइस इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स सभी ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और ये कला सिर्फ और सिर्फ किसको दी गई है ह्यूमन बींग्स को दी गई कि वो अपनी फीलिंग्स अपने विचार अपने अंदर का जो भी मै, आ, आ, मैटर है जो भी फीलिंग्स हैं जो भी संदेश है उन सो क्या है किसी दूसरे पर्सन के सामने रख सकते हैं उनके साथ कॉम्युनिकेशन कर सकते हैं राइट तो मोहित सिंगला और पूनम पटियाल दोनों का आंसर आ रहा है ए तो हम चलते हैं जी मेजोरिटी के साथ तो बिल्कुल सही है हमारी मेजोरिटी बिल्कुल सही ए इज द राइट आंसर ऑफ है आपके सोर्स होना चाहिए मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस चैनल किसके थ्रू आप कॉम्युनिकेट uh, कर रहे हो रिसीवर होना चाहिए साथ ही साथ हमारी फीडबैक और किस कंटेक्सट में कंटेक्स का मतलब हो गया एनवायरमेंट लाइक एनवायरमेंट तो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर इफ़ इट इज एज्यूम्ड दैट कॉम्युनिकेशन हैज़ नो बिगनिंग और एंड कि अगर कॉम्युनिकेशन की ना ही कोई बिगनिंग है और ना ही कोई एंड है तो उसको क्या कहा जाएगा मेडिएट मीडिएशन प्रोसेस इंटरेक्शन और ट्रांजेक्शन बताएं स्टूडेंट्स हरी हरिअप बहुत बढ़िया जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट फड़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो सके फटाफट फड़ जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है अभी के अभी अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके जो भी स्टूडेंट्स जो भी फ्रेंड सर्कल आपका यूजीसी नेट पेपर वन के लिए तैयार करें चाहे पेपर टू आपका कोई भी हो पेपर वन इज़ द कॉमन पेपर अगर किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस की ना तो बिगनिंग हो और ना ही एंड हो तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस क्या कहेंगे उसे प्रोसेस यानी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन की ना ही बिगिनिंग और ना ही एंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे प्रोसेस मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है वेल well डन मोहित नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द एबिलिटी टू कॉम्युनिकेट इफेक्टिवली की प्रभावी ढंग से यानी कि कॉम्युनिकेट कॉम्युनिकेशन का जो इफेक्टिव वे में करने की जो एबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन लेवल इज अ नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न ऑलवेज डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और कैन बी लर्न कि प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता शिक्षा स्तर पर निर्भर करती है प्राकृतिक प्रतिभा है जिसे सीखा नहीं जा सकता हमेशा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्भर करती है और सीखा जा सकता है बताएं स्टूडेंट्स हरी हरिअप आंसर रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स का एबिलिटी ऑफ कॉम्युनिकेट कि आप अपना जो कॉम्युनिकेशन उसको इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं कि आपकी एक कॉम्युनिकेशन आप उसको किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है वो चीज आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है तो गाइज वो आपकी क्या है किसके ऊपर डिपेंड करती है कैन बी लर्न की कम्युनिकेशन को इफेक्टिव किस तरीके से करना है इसको आप सीख सकते हो लाइफ टाइम क्या है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती आप किसी भी टाइम के आपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाना है और कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब रहता है सबसे मेन कि जो बात आप सामने वाले पर्सन के साथ कर रहे हो अगर वही बात उसी ढंग से उसी वे में सामने वाला पर्सन भी अगर उसको समझ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन यानी कि जो बात आपका बात रखने का जो तरीका है अगर आप जो बात जो जिस ढंग से सामने वाले पर्सन को वो बात समझाना चाहते हो सामने वाला पर्सन भी उस बात को उसी वे में समझ जाए सेम इन द सेम मैनर तो वहां पर हम कॉम्युनिकेशन को क्या कहेंगे इफेक्टिव क्या कहेंगे इफेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हु फॉलोइंगज स्टेटिड दैट

और आंसर कीजिए कमेंट करके बताइए क्या आंसर रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दी थी कि लोग एक दूसरे को और खुद को केवल संचार के माध्यम से ही जानते हैं ऐसा किसने कहा था तो ऐसा कहा था गाइस आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किसने कहा था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने तो राइट आंसर है गाइस ए ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्लो लीनियर मॉडल बर्लो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बर्लो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है एस एम आर सी एस एम सी आर एस आर एम सी एस आर सी एम यहां पर एस का मतलब है सेंडर एम का मतलब है मैसेज राइट आर का मतलब है रिसीवर और सी का मतलब है चैनल तो बर्लो का जो लीनियर मॉडल है वो किसने दिया था उसके बर्लो के लीनियर मॉडल को किस नाम से जाना जाता है एस एम आर सी एस एम सी आर एस आर एम सी एस आर सी एम बताए स्टूडेंट्स फटाफट जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए क्या बात है गाइज आप लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहे क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है फटाफट पड़ स्टूडेंट्स आंसर कीजिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन है अगर आप इतने सिंपल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते तो इससे बड़ा आपके जीवन का दुर्भाग्य नहीं हो सकता मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है बी बी इज द राइट आंसर सेंडर मैसेज चैनल एंडीवर एस एम सी आर सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर इज द बर्लो लीनियर मॉडल इसको किस नाम से जाना जाता है बर्लोज लीनियर मॉडल नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी टर्म एज कंटेक्स ऑफ कॉम्युनिकेशन कि निम्नलिखित में से किसे संचार का संदर्भ कहा जा सकता है संचार का संदर्भ कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन गाइस अभी इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है एन इंटरफेरेंस विद मैसेज रिसेप्शन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेजेस एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन कि बातचीत के लिए एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण बताइए स्टूडेंट्स नमस्ते जी नमस्ते अमन अली अमन अली का आंसर आ रहा है सी वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेजेस कंटेक्स्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन में किया था उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कंटेक्स का मतलब क्या होता है एनवायरमेंट क्या मतलब होता है एनवायरमेंट की आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन करते हो आपका जो एनवायरमेंट है राइट right? आपका जो एनवायरमेंट है किस एनवायरमेंट में आप अपना कॉम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एनवायरमेंट ही क्या कहलाता है कंटेक्स तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन डी इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में हम किस चीज को ट्रांसफर करते हैं किस चीज को समझते हैं आइडियाज को कॉन्सेप्ट्स को मीनिंग्स को या फिर वर्ड्स को आइडियाज कॉन्सेप्ट्स मीनिंग एंड वर्ड्स बताएं स्टूडेंट्स आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कॉम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हरी हरियप गाइज अप फटाफट फटाफट आंसर कीजिए गाइज प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर वीडियो जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड एटलीस्ट सुतना तो हमारा लाइक होना चाहिए ना इक्वल करो उसको रेशो को पूनम पटियाल का आंसर आ रहा है आइडियाज तो गाइस राइट आंसर है आपका मीनिंग क्या है मीनिंग देखो गाइज क्या है आइडियाज पूनम ने आंसर दिया है आइडियाज तो गैस वैसे तो हम यहाँ क्या क्या समझते हैं कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन में हम हमारे जितने भी आइडियाज है राइट right? उन्हीं को हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं और उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग लेते लेकिन guys, उन आइडियाज़ के भी क्या है होते हैं। और अगर आप कॉम्युनिकेशन में जो मीनिंग है उस मीनिंग का ही अगर आपका वो क्लियर नहीं आप जिस भाव से कॉम्युनिकेशन करें अगर आप उस भाव से अपनी अपनी शब्द अपना मीनिंग अपनी बातें अगर सामने वाले को ना समझा पाए तो वहां पर जो आपका कॉम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग कम्युनिकेशन वहां पर क्या होगा इफेक्टिव यानी कि जिस भाव से जिस ढंग से आप अपनी बात दूसरे वाले को समझाने में क्या है असमर्थ है यानी कि वहां पर हमारा जो कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन में हम क्या समझते हैं किसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्या ट्रांसफर करते हैं मीनिंग करते हैं मीनिंग मीनिंग क्यों है यहाँ पर आइडियाज क्यों नहीं है क्योंकि गाइस कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाता है कि जब आप जो बात जो संदेश जिस भाव से आप सामने वाले को देना चाहते हो अगर सामने वाला भी वही सेम मीनिंग आपके शब्दों का लेकर चले तभी आपका कॉम्युनिकेशन क्या होता है इफेक्टिव दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा मीनिंग ना कि आइडियाज गुड इवनिंग आफरीन गुड इवनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वेन वी से दैट कॉम्युनिकेशन इज इंटेंशनल कि जब कॉम्युनिकेशन क्या है जान बूझ कर किया जाता है इंटेंशनल का मतलब होता है जान बूझ कर किया जाने वाला इट मीन्स दैट कि जब कॉम्युनिकेशन जान बूझ कर किया जाता है तो इसका क्या मतलब होता है सेंडर कॉन्शियसली इंटेंट टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ रिसीवर की जो सेंडर है जो मैसेज भेजने वाला है वो जान बूझ कर रिसीवर के रिसीवर uh, के बिहेवियर को क्या करना चाहता है अफेक्ट करना चाहता है इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिंग है ऑन इन्फॉर्मेशन थ्रो स्पीच कॉम्युनिकेशन पीपल मेक सेंस ऑफ दर्ल्ड एंड नन ऑफ दी अबव बताइए स्टूडेंट्स बताइए मोहित आफरीन पूनम अमन जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फ़टाफट आंसर कीजिए क्या आंसर रहेगा मोहित और आफरीन दोनों के आंसर आ रहे हैं जी ए एंड ये ए इज द राइट आंसर हम मेजोरिटी के साथ चलेंगे और मेजोरिटी का आंसर है ए और जो कि बिल्कुल है सही कि जब जो कम्युनिकेशन है वो जानबूझकर किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंडर है वो रिसीवर के मैं रिसीवर के बिहेवियर को क्या करना चाहता है अफेक्ट करना चाहता है जान तो ए इज द राइट आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस एनकोडिंग इज इंपॉर्टेंट टू कि जो एनकोडिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों है एनकरेज फीडबैक को एनकरेज करने के लिए एलिमिनेट नॉइज प्रोड्यूस मैसेजेस एंड एनश्योर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस बताइए स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट आंसर कीजिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एनकोडिंग एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब एनकोडिंग में कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम जो भी हमारे पास थॉट्स है जो हमारे माइंड में थॉट्स है उन थॉट्स को हम क्या है शब्दों में बयां करते हैं राइट जो भी थॉट्स जो भी आइडियाज हमारे माइंड में चल रहे हैं उनको अगर हम क्या है शब्दों की फॉर्म में दे देते तो उसे हम क्या कहते हैं एनकोडिंग यानी कि मेरे मन में अगर कोई भी बात है कुछ भी आइडिया है तो मैं उसको जिन शब्दों के थ्रू आपको सेंडर को सेंडर जो है रिसीवर को जो भी मैसेजेस देगा उसे हम क्या कहते हैं एनकोडिंग यानी कि जो भी आपके आइडियाज हैं जो भी आपके मन में जो भी भाव चल रहे हैं उन भाव को शब्दों में बदल देना क्या कौन सी प्रोसेस कहलाती है एनकोडिंग तो एनकोडिंग का मतलब यहां पर क्या हुआ प्रोड्यूस मैसेजेस कि मैसेज को प्रोड्यूस करना कि मैसेज को क्योंकि जो शब्द जो तरीके से मेरे माइंड में चल रही हैं चीजें उनको एक अच्छे ढंग से एक अच्छे उनको शब्दों की फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचाना दैट्स कॉल्ड योर एनकोडिंग अब जैसे मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है जितने भी ये क्वेश्चन हैं इन जो भी ये क्वेश्चन है कि मेरा यहाँ पर क्या है कि मेरे को यू जी सी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करवाना है उनको पढ़ाना है उनको टीच कराना है ताकि वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके राइट right? तो जो मेरे अंदर ये चीज़ है ये भावना इसको मैं क्या करती हूँ क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके डेली हम 230 पे पर यहाँ पर मिलते हैं राइट right? टू थर्टी पर हमारी डेली क्लास होती है आप यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं और अपनी तैयारी को करते हो देखते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो कहाँ पर नहीं तो इस चीज को मैसेजेस को प्रोड्यूस करना ही क्या कहा जाता है एन कोडिंग मैसेजेस के शव में देना ही क्या कहलाता है हमारा एन कोडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका द प्राइमरी चैनल यूज बाय इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स कि एक पर्सन दूसरे व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक चैनल हैं कि एक पर्सन दूसरों के साथ जब कम्युनिकेशन करता है तो किसके थ्रू करता है राइट रेडियो एंड टेलीविजन ईमेल टोन ऑफ वॉइस साइट एंड साउंड बताइए स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है आफरीन मोहित पवन पूनम जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए गाइस फटाफट कि एक पर्सन जब दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो इनमें से किसका यूज करेगा रेडियो टेलीविजन का ईमेल का टोन ऑफ वॉइस साइट एंड साउंड बताइए स्टूडेंट्स हरी हरी अप अप हरी अप, अप। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है टोन ऑफ वॉइस ओके बाकी स्टूडेंट्स जितने भी कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए पवन पूनम आफरीन पवन का आंसर आ रहा है ए आफरीन का आंसर आ रहा है सी सभी का अलग अलग आंसर आंसर है है तो र, आपका राइट है, साइट एंड साउंड यानी कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या है उसको देखोगे भी और उसकी सुनोगे भी राइट जब एक पर्सन किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो वहां पर क्या होगा साइट भी होगी और साउंड भी सिर्फ टोन ऑफ वॉइस से आप क्या है कौमिनिकेशन. नहीं कर सकते हैं वहां पर आपका जो कॉम्युनिकेशन है वो साइट और साउंड पे डिपेंड करते हैं। आप जब आप, जब तक आप किसी पर्सन को देखोगे नहीं तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करोगे जब तक आप उसकी आवाज नहीं सुनोगे तब तक भी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे रहोगे तो एक पर्सन का दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है साइट एंड साउंड दृष्टि और ध्वनि नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हाई कॉन्टेक्सट कल्चर इज वैन हाई कॉन्टेक्सट कल्चर उच्च संदर्भ संस्कृति वह है जहां पर मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अबाउट द कॉन्टेक्सट और अबाउट द पर्सन की अधिकांश जानकारी संदर्भ के बारे में और व्यक्ति के बारे में है मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्पोकन ज्यादा से ज्यादा जानकारी बोली जाती है मोस्ट पीपल यूज साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं right? ज़्यादा ज़्यादा से जादा information उसको नहीं बताया जाता, वो unspoken रहती है। अब कंफ्यूजन दूर हो हो गई गई सभी students की, अब तो होगी हो दूर क्योंकि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो साइट भी होना चाहिए और साउंड भी होनी चाहिए साइट और साउंड में से एक ना एक चीज तो आपकी जरूर होनी चाहिए दोनों हो तो और भी ज्यादा इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन रहेगा अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो वहां पर आपका कॉम्युनिकेशन नहीं हो सकता टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या है कि आपकी आवाज़ कभी ऊंची है कभी नीची है ठीक है कभी आप क्या है थोड़ा लाउड बोलते हो कभी आप बहुत ही स्लो बोल, स्लोली बोलते हो तो वो आपका कहलाता है आपका टोन ऑफ वॉइस तो टोन ऑफ वॉइस तो आपका इसलिए नहीं होगा राइट right, गाइज तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कंटेक्स्ट कल्चर हाई कंटेक्स्ट कल्चर का मतलब होता है जब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी बताई ना जाए अधिकांश जानकारी क्या हो एसप्ट यानी कि हाई कंटेक्स्ट कल्चर उसका उल्टा है हाई कंटेक्स्ट कल्चर का मतलब जहां पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता ही नहीं है राइट right, वो आपका कहलाता है हाई कंटेक्सट कल्चर राइट आंसर है जी आपका डी डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अ लो कंटेक्सट कल्चर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा हाई कंटेक्सट हाई कंटेक्सट में क्या पढ़ा कि जब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी अनस्पोकन आपको इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही ना हो तो लो कंटेक्सट क्या होगा मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज स्टेटेड इन वर्बल मैसेज मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज अपेरेंट मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज नॉन एक्सिस्टेंस बताइए स्टूडेंट्स हरी हरिअप जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है पवन मोहित आफरीन रविकांत पूनम जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है लो कंटेक्स अभी पिछले क्वेश्चन में हमने हाई कॉन्टेक्स्ट किया था हाई कॉन्टेक्स्ट का मतलब था कि जहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो अनस्पोकन हो जहां पर हमें इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता हो तो लो कंटेक्स्ट उसका उल्टा हुआ लो टेक्स का मतलब क्या हुआ जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी है जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी है तो बी इज द राइट आंसर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्टेटेड इन अ वर्बल मैसेज की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी वर्बल मैसेज की फॉर्म में आपको बताई गई है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी क्या है बताई गई है नेक्स्ट है पीपल हु एंगेज इन फ्रैंक एंड ओपन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स आर कंसिडर्ड जो लोग अपनी भावनाओं की स्पष्ट और खुली अभिव्यक्ति में संलग्न है उसे क्या कहते हैं अग्रेसिव रूड असर्टिव इनकन्सिडरेट कि अगर कोई पर्सन अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको बहुत ही ओपन वे में बहुत ही फ्रेंक वे में दूसरे से क्या है शेयर कर लेता है उसको बता देता है तो उसे हम क्या कहेंगे उस पर्सन को क्या कहा जाएगा अग्रेसिव रूड असर्टिव और इनकंसिडरेट बताइए स्टूडेंट्स हरी अप गाइज हरी अप, हरी अप, अप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ओपन और फ्रेंक वे में बयां कर देते हैं उस पर्सन को कहा जाता है असर्टिव क्या कहा जाता है मुखर क्या कहा जाता है मुखर यानी कि उनको जो भी पर्सन क्या है बहुत ही जैसे ही आप किसी से कभी भी मिले फर्स्ट टाइम में ही आपने अपनी सारी फीलिंग्स उसको बता दी सारे एक्सप्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन वे में एक्सप्रेस कर दिया बहुत ही आप फ्रेंक हो गए उससे राइट तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे असर्टिव क्या कहा जाता है उसे मुखर सी इज द राइट आंसर पूनम आफरीन मोहित सिंगला सभी का राइट right आंसर आया है गाइज वेल्डन गाइज डन वेल बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंस ऑफ इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन यानी कि किसी भी कॉम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है मैसेज फीडबैक एनकोडिंग डिकोडिंग यानी कि इनमें से किसके द्वारा हमारी जो कॉम्युनिकेशन है वो क्या होगा इफेक्टिव इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन के लिए क्या होना जरूरी है मैसेज का होना जरूरी है फीडबैक का होना जरूरी है एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है फीडबैक बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एटलीस्ट जो कंकरेंट व्यूअर्स हैं और जो लाइक है उनका जो रेशियो आप उसको फटाफट एक बार इक्वल कीजिए पवन और मोहित दोनों का आंसर आ रहा है बी आफरीन का आंसर भी बी है फीडबैक बिल्कुल सही बहुत बढ़िया गाइस क्योंकि एक फीडबैक ही ऐसी है जो कम्युनिकेशन को क्या करती है इफेक्टिव यानी कि जो फीलिंग जो शब्द जो मैसेज आपने सामने वालों को दिया है अगर सामने वाला उसको उसी वे में समझ लेता है और फिर उसका क्या करता है आपको रिस्पॉन्स देता है फीडबैक देता है वहां पर ही हम कॉम्युनिकेशन को क्या मानते हैं इफेक्टिव क्या माना जाता है उसे इफेक्टिव बिल्कुल सही फीडबैक प्रतिक्रिया इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कॉम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस यानी कि जब हम जो कम्युनिकेशन है उसमें एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है एक सेंडर है एक रिसीवर है कम्युनिकेशन करते हुए क्या है दो से दो जो कम्युनिकेशन है वो दो लोगों के बीच में हो रहा है एक सेंडर है और एक रिसीवर है तो उसे हम क्या कहेंगे डिकोडिंग एनकोडिंग ट्रांजेक्शन और डायडिक बताइए हरी अप फटाफट आंसर कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है पवन आफ्रिन पूनम मोहित जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो यानी कि वहां पर एक सेंडर है और एक रिसीवर है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा उसे हम ट्रांजेक्शन कहेंगे कम्युनिकेशन में हमने कभी ट्रांजेक्शन वर्ड को समझा है कभी कम्युनिकेशन में कभी भी ट्रांजेक्शन वर्ड आती है माना कि आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ट्रांजेक्शन आपके माइंड में रहती है ऑल टाइम लेकिन कम्युनिकेशन में हम कभी भी ट्रांजेक्शन वर्ड को यूज़ ही नहीं करते तो सी तो आपका आंसर होगा ही नहीं क्योंकि कॉम्युनिकेशन में पूरी कॉम्युनिकेशन में हम कहीं भी ट्रांजेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं होता है एनकोडिंग का यूज़ होता है डिकोडिंग का होता है डायडिक का भी होता है आफरीन का आंसर बिल्कुल सही आया है डी डायडिक 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 का दूसरा नाम है इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम है डायडिक क्या कहा जाता है उसे डायडिक बिल्कुल सही डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है on रूप में स्वयं का विवरण की एक पर्सन जब अपने आप के बारे में जो भी सोचता है एक पर्सन का खुद का अपने आप के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं राइट मैं बहुत अच्छा हूं राइट कि मेरे इस तरह से विचार है कि एक पर्सन का खुद के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है उसे हम क्या कहेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ परसेप्शन सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट बताइए स्टूडेंट्स बिल्कुल पूनम आफरीन पवन मोहित और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए बिल्कुल सही बहुत सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बताइए स्टूडेंट्स अप क्या आंसर होगा ललिता का आंसर आ रहा है सी पवन कह रहे हैं ए बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए देखते हैं किसका आंसर सही आएगा और सबसे पहले आएगा <coughs> बताए स्टूडेंट्स हरी अप हरी अप, हरी अप। आफरीन कह रही है डी सेल्फ रिस्पेक्ट मोहित पूनम बताइए आप सब भी बताइए क्या आंसर रहेगा तो oh इसका आंसर है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पवन का आंसर बिल्कुल सही है पवन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है एक पर्सन का खुद के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या कहा जाता है उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज है परसेप्शन नहीं कह सकते हम इसे परसेप्शन हम इसे नहीं कह सकते परसेप्शन क्या है एक अलग चीज होती है और कॉन्सेप्ट क्या है वो हमारी एक अलग चीज होती है परसेप्शन अलग है और कॉन्सेप्ट अलग है तो बी इज नॉट द राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज इज कन्वर्टेड टू सिंबॉलिक फ्रॉम कॉल्ड संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसे कहा जाता है यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी हमारे पास मैसेज है उस मैसेज को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में क्या कर देते हैं चेंज करते हैं तो उसे क्या कहेंगे डिकोडिंग एनकोडिंग डेफरिंग और एक्सपेंडिंग बताइए स्टूडेंट्स हरी हरिअप हरी मोहित सिंगला का सबसे पहले आंसर आया है एनकोड जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आफरीन प्रियंका पूनम पवन ललिता जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो हमारा मैसेज है उस मैसेज को जब हम क्या करते हैं किसी सिंबल्स की फॉर्म में क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है एनकोडिंग या डिकोडिंग ललिता कह रही है डिकोडिंग मोहित कह रहे हैं एनकोडिंग बाकी स्टूडेंट्स बताइए किसका आंसर सही है मोहित का या ललिता का आफरीन अलग ही बता रही है सी डेफरिंग ओके बताइए कोई डीवी कह दीजिए कि एक्सपेंडिंग भी कहा जाता है पे क्लास पे ध्यान दीजिए गाइस क्लास पे क्लास में पढ़ाया हुआ आपके काम आएगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पूनम आफरीन सभी का कह रही हैं जी डिकोडिंग राइट आंसर है जी आपका एन कोडिंग क्या कहा है उसमें एन कोडिंग ये देखो इसमें क्या कहा गया है मैसेज को जब हम किसमें करते हैं सिम्बल्स में यानी कि जो हमारे पास मैसेज है जो भी हमारे पास आइडियाज़ है जो भी मैसेज है जब हमें उसको क्या करना है सिंबल्स में कन्वर्ट करना है यानी कि जो सेंडर है यहां पर किसकी बात हो रही है सेंडर की समझो समझो क्या कहा गया है क्वेश्चन में राइट है जब हम क्या है सेंडर जब उस मैसेज को क्या करता है सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसे हम कहते हैं एनकोडिंग लेकिन जब रिसीवर रिसीवर उस मैसेज को समझ के फीडबैक की फॉर्म में देता है निकी रिसीवर को मैसेज मिल गया मैसेज मिलने के बाद रिसीवर ने उसको क्या किया समझ के फीडबैक की फॉर्म में दे रहा है तो उसे हम कहते हैं डिकोडिंग यानी कि अगर सेंडर करता है तो एनकोडिंग और रिसीवर करता है तो डिकोडिंग राइट right? अगर सेंडर अपने मैसेज को क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एनकोडिंग और अगर रिसीवर उसको डीको uh, कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है सिम्बल्स वगैरह में किसी में भी चेंज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं डिकोडिंग तो राइट right आंसर रहेगा जी आपका एनकोडिंग क्योंकि यहां पर मैसेज का पूछा गया है सेंडर की पॉइंट ऑफ व्यू से फीडबैक की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स दूसरों के साथ संवाद करना सीखना महत्वपूर्ण है किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है एलिमिनेटिंग लिसनर्स ऑल्स फिजियोलॉजिकल नेवर नॉइज ने रिवार्डिंग रिलेशनशिप ऑल ऑफ द अब गॉट इट ओके जी ललिता जी ललिता मोहित आफरीन सबको क्लियर हो गया आई थिंक तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा लर्निंग टू कॉम्युनिकेट विद अदर्स दूसरों के साथ कॉम्युनिकेट करना और उसको सीखने उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है जब आप ये सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा बताए स्टूडेंट्स हरिअप 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 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज एक सिंपल सा एक मूल मंत्र आपको बताती हूँ कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो आप अपनी एक्चुअल लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हो उनके साथ इसको जोड़ के देखो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि लर्निंग टू कॉम्युनिकेट विद अदर्स कि जब आप किसी दूसरे के साथ क्या करना चाहते हैं कॉम्युनिकेश कॉम्युनिकेशन करना सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इनमें से क्या रहेंगे कि जब आप कोई भी एक पर्सन जैसे आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ सीख रही हूँ तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि एलिमिनेट लिस्निंग लिसनर्स और फिजियोलॉजिकल कि श्रोताओं के सभी शारीरिक शोर को खत्म करना राइट नेवर बींग मिसअरस्टूड कि कभी गलत समझा नहीं जा रहा एस्टाब्लिशिंग रिवार्डिंग रिलेशनशिप कि पुरस्कृत संबंध स्थापित करना और ऑल ऑफ द अबव आफरीन कह रही हैं ए प्रियंका कह रही हैं मोहित कह रहे हैं रिलेशनशिप और पूनम कह रही हैं सी तो गाइस सभी का अलग अलग आंसर है तो देखते हैं राइट आंसर किसका है राइट आंसर है जी आपका सी एस्टैब्लिशिंग रिवार्डिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिशिंग रिवार्डिंग रिलेशनशिप राइट आंसर right कि जब आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप तो आप re आप तो मतलब आप से आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले राइट right? कि आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टाइम तक चले रिवॉर्डिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म तक चले यहाँ पे रिवॉर्डिंग का मतलब ये है दूसरा रिवॉर्डिंग मत समझना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका वेन वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स इन अवर माइंड कि जब हम अपने माइंड में चीजों को ऑर्गेनाइज करना की कोशिश करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा प्रोड्यूस न्यू आइडियाज इन अवर माइंड कि हम अपने माइंड में नए नए आइडियाज़ को लेकर आ रहे हैं प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट कि जो इन्फॉर्मेशन क्या है कॉम्प्लेक्स है डिफिकल्ट है ठीक है उसको हम क्या करते हैं प्रोसेस कर रहे हैं और उसको कैटेगराइज करते हैं कैटेगराइज डिफिकल्ट एंड ईजी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिंपल इंफॉर्मेशन एंड कैटेगोराइज बताइए स्टूडेंट्स हरिअप बताइए क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आफरीन का आंसर आ रहा है जी बी मोहित भी कह रहे हैं बी बाकी जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है प्रियंका पूनम पवन ललिता बताइए क्या आंसर रहेगा आप सभी का तो जब हम अपने माइंड में किसी भी डिटेल्स को क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं राइट उसको संगठित कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या कहेंगे हमारा राइट आंसर रहेगा जी बी यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको प्रोसेस करके उसको क्या कर देंगे हम कैटेगराइज क्या करेंगे उसको कैटेगराइज तो बी इज द इन्फॉर्मेशन यानी कि जटिल जानकारी को संसाधित करें और से वर्गीकृत करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइज फीडबैक इज लिसनर्स। फीडबैक क्या होती है फीडबैक क्या होती है वर्बल क्रिटिक ऑफ योर मैसेज एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेज वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज और अवर्जन टू अ मैसेज। बताइए स्टूडेंट्स हरी ये फीडबैक किसे कहा जाता है कम्युनिकेशन के केस में फीडबैक का मतलब क्या है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत सिंपल अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं दे सकते तो आपके जीवन का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा फीडबैक क्या होता है फीडबैक अपने आप को रख के देखिए कि जब आप किसी दूसरे के साथ कॉम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां से आपको जो फीडबैक मिलता है उसका मतलब क्या है आफरीन का आंसर आ रहा है सी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बहुत बढ़िया आफरीन बिल्कुल सही फीडबैक का मतलब क्या होता है रिस्पॉन्स टू अ मैसेज यानी कि जो भी मैसेज आपको दिया गया है आप उसका क्या कर रहे हो रिस्पॉन्स कर रहे हो जैसे गाइस यहीं पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं और आप को ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैसेज है? और फिर आप उसका आंसर करो यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया राइट ये क्या हुआ एक तरह से मैसेज हुआ और आपने इस क्वेश्चन का क्या दिया आंसर दिया तो वो क्या हुआ टू अ मैसेज चाहे वर्बल वे में या फिर नॉन वर्बल वे में तो फीडबैक क्या होती है वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज सी इज द राइट आंसर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा शब्द से, से संबंधित है फीडबैक से कौन सा रिलेटेड है ब्रेन स्टोमिंग ह्योरिस्टिक साइबर बताइए स्टूडेंट्स पूनम आफरीन मोहित प्रियंका ललित पवन जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट फड़ बताइए फीडबैक से रिलेटेड वर्ड फीडबैक से रिलेटेड वर्ड आफरीन कह रही हैं ए ब्रेन स्टॉमिंग ब्रेन स्टॉमिंग गाइज ये कॉमर्स की क्लास नहीं है कॉमर्स में ब्रेन स्टॉमिंग हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ब्रेन स्टॉमिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए ब्रेन स्टॉमिंग का मतलब है कि एक ही दम आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दी गई और आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके माइंड में जितने भी आइडियाज जनरेट होते हैं उसे हम ब्रेन स्टॉमिंग कहा कहते हैं ये फर्स्ट पेपर है फर्स्ट पेपर में फीडबैक फीडबैक का आंसर क्या रहेगा मोहित सिंगला कह रही हैं सी साइबरनेटिक्स ललिता भी कह रही है सी सी तो मेजोरिटी का आंसर है जी सी और हम मेजोरिटी के साथ चलेंगे और सी इज द राइट आंसर ब्रेन स्ट्रॉमिंग तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रेन स्ट्रॉमिंग का आंसर हो ब्रेन स्ट्रॉमिंग का मतलब होता है कि आपको कोई एक टॉपिक दिया गया और आपको उस टॉपिक के ऊपर आपके माइंड में जैसे ही आपके मतलब उस टॉपिक को सुनते ही आपके माइंड में क्या आया दैट्स कॉल्ड योर ब्रेन स्ट्रॉमिंग किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप जैसे आपसे क्या है GST के बारे में पूछा जाता है कि जीएसटी क्या है ठीक है तो उस जीएसटी के बारे में आपके माइंड में जो भी सबसे पहले आइडियाज आ रहे हैं कि जीएसटी क्या है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है कब आया था ऐसे लगता है ये लगता है दो टाइप के होते हैं सी जी एस टी एस जी एस टी राइट तो ब्रेन का मतलब होता है कि जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो भी आइडियाज आते हैं उसे हम क्या कहते हैं ब्रेन ये हमारे कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एचआरएम में हमारी कॉन्सेप्ट आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग तो फीडबैक का मतलब ये नहीं होता फीडबैक का मतलब है साइबरनेटिक्स क्या मतलब है साइबरनेटिक्स सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर लिसनिंग इज सेट टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय कहा जाता है कि सुनने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है स्पीकर फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स स्पीकर के शब्दों के वितरण की तेज गति का मैसेज लोडेड विथ टू मच इंफॉर्मेशन इम सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया ऑल ऑफ दी अबव कि जो लिसनिंग है उसका गलत प्रतिकूल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस पर जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा आपके अकॉर्डिंग पवन कह रहे हैं डी मोहित कह रहे हैं डी और हम चलेंगे बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ और मेजॉरिटी का आंसर है जी सही बिल्कुल सही डी इज द राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर बिल्कुल सही आफरीन मोहित पवन ममता सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है डन वेल्डन वेल वेल्डन बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक इज फीडबैक क्या होती है सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कंफाइंड टू दी वर्बल फॉर्म ऑफ कॉम्युनिकेशन कन्फाइंड टू द रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉम्युनिकेशन बताइए स्टूडेंट्स फीडबैक किसे कहते हैं फीडबैक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फीडबैक किसे कहते हैं <coughs> आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा फीडबैक का फीडबैक <coughs> मोहित कह रहे हैं ए बाकी स्टूडेंट्स ललिता आफरीन पवन ममता पूनम प्रियंका बताइए सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है जी ए और हम मेजोरिटी के साथ चलेंगे और मेजोरिटी का आंसर है जी बिल्कुल सही फीडबैक क्या होती है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सेंडर और रिसीवर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं एक्सचेंज क्या किया जाता है एक्सचेंज उसे हम क्या कहते हैं फीडबैक क्या कहते हैं फीडबैक बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट कि एक पर्सन आई कांटेक्ट ज़्यादा किस में करता है जब वो सुन रहा हो अन इंटरेस्टेड इन कॉम्युनिकेशन में उसका कोई इंटरेस्ट ना हो बोल रहा हो या इंटरप्रेट कर रहा हो यानी कि एक जो पर्सन है कम्युनिकेशन करते हुए आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा उसका कब रहेगा या तो वो क्या कर रहा हो सुन रहा हो या उसका कम्युनिकेशन में कोई भी इंटरेस्ट ना हो जब वो बोल रहा हो या फिर वो क्या कर रहा हो इंटरप्रेट कर रहा हो आप व्याख्या कर रहा हो बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा कब रहेगा आफरीन कह रही है डी इंटरप्रेट करते हुए पूनम कह रही है ए लिसनिंग मोहित भी लिसनिंग पून तो मेजोरिटी का आंसर है जी ए और हम चलेंगे ए के साथ जी नहीं डी नहीं होगा लिसनिंग गाइस देखो कम्युनिकेशन का यहाँ पर क्या मतलब है जब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो राइट जब आप अपने नेट और जे को क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में पढ़ाने जाएंगे राइट right? जब आप वहां पर पढ़ाएंगे तो एक टीचर जब अपनी क्लास में फिजिकल फॉर्म में जैसे कॉलेजेस में आप क्लासेस ले रहे हो यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ा रहे हो तो वहां पर एक टीचर क्या है कम्युनिकेशन करेगा तो वहां पर एक पर्सन का जो आई कॉन्टेक्ट है वो कब होगा जब आप जो स्टूडेंट्स है जो उसको सुन रहे हैं राइट right? तो सुनते हुए आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो किसके साथ होगा टीचर के साथ यानी कि जो एक क्लास में पचास स्टूडेंट्स बैठे और वो पचास के पचास स्टूडेंट का जो आई कॉन्टेक्ट है किसके साथ रहेगा टीचर के साथ कब होगा जब वो क्या होंगे रहे होंगे इफेक्टिव लिसनिंग होगी तब आई कॉन्टेक्ट क्या है उस पर्सन का सबसे ज्यादा होगा अगर वो कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है तब तो हो ही नहीं सकता राइट right? जब स्पीकिंग कर रहे हो जब आप बोल रहे हो उस टाइम भी आपका आई कॉन्टेक्ट होगा हो लेकिन जब आप सुन रहे हो तब वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पीकिंग स्पीकिंग करते हुए भी आपका आई कॉन्टेक्ट होता है लेकिन जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो ज्यादा होता है और इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना जैसे मैं आपको क्या है किसी भी क्वेश्चन को क्या बता रही हूं उसको व्याख्या करना, मतलब करना इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज है उसको समझाना उसको एक्सप्लेन करना राइट इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लेन करना जैसा भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दिया कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर सही भी है कुछ ने गलत भी किया तो उस चीज को एक्सप्लेन करना कि वो चीज सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है उसे हम कहते हैं इंटरप्रेट तो वो इंटरप्रिटेशन एक पर्सन की अलग अलग होती है हर किसी का अपना अपना होता है कि कोई किसी तरीके से एक्सप्लेन करता है कोई किसी तरीके से एक्सप्लेन करता है तो इंटरप्रिटेशन नहीं होगा इंटरप्रिटेशन करते हुए आपका आई कांटेक्ट नहीं हो सकता स्पीकिंग के टाइम आपका आई कांटेक्ट हो सकता है और लिसनिंग के टाइम पे भी आपका क्या है आई कॉन्टेक्ट रहेगा लेकिन ज्यादा आई कॉन्टेक्ट कब होगा जब आप लिसनिंग कर रहे हो जब आप सुन रहे हो राइट right? तो राइट आंसर रहेगा जी आपका ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड कोड मीन्स एन का मतलब क्या होता है एनकोड का मतलब क्या होता है ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड इंटरप्रेट अ कोड ब्लॉक अ पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ ए मैसेज एंड स्पीक टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बताइए स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोड का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोड का मतलब होता है ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड विचारों को एक कोड में अनुवाद करना यानी कि जो भी आपके मन में आपके माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं ठीक है उन सभी विचारों को क्या करना किसी सिंबल की फॉर्म में ठीक है किसी सिंबल की फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करना ही क्या कहलाता है एनकोडिंग तो ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड इज़ द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोटिकॉन्स आर इमोटिकॉन्स क्या होते हैं इमोशनल कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिकली एक्सप्रेसिव बॉडिली गेस्टर्स इमोशनल क्वेरीज टाइप्ड सिंबल्स दैट कॉम्युनिकेट फेसियल एक्सप्रेशन इमोटिकॉन्स किसे कहते हैं इमोटिकॉन्स बताइए स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर सारी की सारी नोटिफिकेशन अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो इमोटिकॉन्स आज के टाइम में क्या है इमोटिकॉन्स बहुत यूज हो रहे हैं इमोटिकॉन्स का मतलब होता है टाइप्ड सिंबल्स टाइप्ड सिंबल्स दैट कॉम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हमारे मोबाइल्स में जो हमारे इमोजेस होते हैं व्हाट्सअप पे हमारा जितना भी सोशल मीडिया उन सोशल मीडिया पे हम जितने भी इमोज़ यूज़ करते हैं वो उन सबको हम क्या कहते हैं टाइप द सिम्बल्स दैट कॉम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशन राइट जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कम्युनिकेट करते हैं ऐसे ऐसे सिंबल्स जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं बताते हैं कम्युनिकेट करते हैं उन सिंबल्स को क्या कहा जाता है इमोटिकॉन्स जो भी हमारे जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट क्या है व्हाट्सअप तो यूज करते ही होंगे राइट सोशल मीडिया पे भी होंगे तो व्हाट्सअप पे जितने भी आपके इमोजीज होते हैं जो आपके क्या कर रहे हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बता रहे हैं वो क्या कहलाते हैं इमोटिकॉन्स क्या कहा जाता है उसे इमोटिकॉन्स तो नेक्स्ट है वर्ड्स आर वर्ड्स क्या होते हैं कॉनोटेटिव डिनोटेटिव सिंबल और अननेसेसरी सांकेतिक सांकेतिक प्रतीक और अनावश्यक ममता कुमारी आज आपका पहला क्लास है ममता आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही हैं किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही हैं ममता वर्ड्स क्या होते हैं वर्ड्स तो वर्ड्स होते हैं जी आपके सिंबल्स क्या होते हैं वर्ड्स आपके सिंबल्स आफरीन का आंसर आ रहा है सी और सी इज बिल्कुल राइट आंसर मोहित का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सिंबल तो वर्ड्स क्या होते हैं आपके सिंबल राइट आंसर रहेगा जी आपका सी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स आर दार्ट ऑफ ह्यूमन कॉम्युनिकेशन प्रोसेस ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस की कंपोनेंट्स क्या क्या है यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रही है ओके गाइस मेन सब्जेक्ट क्या है ममता आपका ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस के कॉम्पोनेंट्स मैसेज रिकॉर्डिंग एंड फीडबैक नॉइज फीडबैक एंड जार्गन मैसेज नॉइज एंड फीडबैक फीडबैक मैसेज एंड क्रिटिकिंग ह्यूमन कॉम्युनिकेशन प्रोसेस पवन का आंसर आ रहा है ए बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए क्या आंसर रहेगा ज्योग्राफी ओके okay. तो डेली पेपर वन तो आपका जो है क्या है कॉमन है जनरल पेपर होता है तो जनरल पेपर की जो हमारी क्लास है वो डेली टू थर्टी पर होती है तो टू थर्टी पर डेली आप हमसे मिलिए और अपने जो भी आपका फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं डेली यूट्यूब पर हमारा रहता है क्लास मोहित सिंगला कह रहे हैं मैसेज नॉइज एंड फीडबैक ममता कह रही है ए तो बिल्कुल जी ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस के हमारे कंपोनेंट्स हैं सी सी इज द राइट आंसर मैसेज नॉइज एंड फीडबैक देखो गाइज एक स्टूडेंट ने आंसर किया था ए ए नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैसेज होता है फीडबैक भी होते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होती हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है रिकॉर्डिंग नहीं होती इसलिए आपका जो ए है वो आंसर नहीं होगा ए इज नॉट द राइट आंसर सी आपका राइट आंसर क्योंकि उसमें मैसेज कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारा मैसेज भी होता है नॉइज भी होता है और फीडबैक भी होती है कॉम्युनिकेशन प्रोसेस में तो राइट right आंसर रहेगा जी आपका सी सी इज द राइट आंसर तो गाइज ये थे हमारे कम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आज की क्लास में हमने कम्युनिकेशन की जितनी भी कॉन्सेप्ट है उनको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में समझा है इसी तरह की और अपनी कम्युनिकेशन और जितना भी आपका फर्स्ट पेपर है उस तरह की जितनी भी आपकी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को एम की फॉर्म में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए डेली हमारी क्लास है वो टू थर्टी पर होती है पेपर वन के लिए और पेपर टू जो कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास होती है जी फोर पे एंड गाइज अगर आप हमारा जो पेड बैच है वो शुरू हो रहा है और शुरू हो चुका है तो उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आप पेड बैच में रोल होना चाहते हैं तो आपको इस कोड को यूज़ करना है वाई थ्री थ्री सेवन तो आपको क्या है सेवेंटी सेवन परसेंट की डिस्काउंट मिलेगी राइट right. और अगर आप यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आपको ओनली थ्री फिफ्टी रुपीज में मिल जाएंगे पेपर टू का आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आप उसमें आप कर सकते हैं और यूजीसी नेट पेपर वन के लिए अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहते तो वो आपको ओनली रुपीज वन फिफ्टी सिर्फ डेढ़ सौ रुपए में गाइज इतने ज्यादा कंटेंट आप तो क्या है पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स के लिए क्या मिल, रहे है? इतना मिल रहा है तो, तो एटलीस्ट आप जो मॉक टेस्ट है उनको तो एटलीस्ट परचेज कीजिए ताकि वहां से आप क्या है? अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करना चाहते खुद से ही क्लियर करना चाहते हैं दिस इज टोटली योर विश अगर आप पेड़ बैच नहीं लेना चाहते मत लीजिए लेकिन अगर आप क्या है अपनी प्रैक्टिस क्योंकि गाइस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट होगा तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या है पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए मॉक टेस्ट दिए गए हैं उन मॉक टेस्ट में क्या है सेम वही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होंगे जिस पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइट तो पेपर वन के लिए जो मॉक टेस्ट है वो आपको सिर्फ वन फिफ्टी में ओनली रुपीज वन फिफ्टी आफ्टर यूजिंग दी कोड वाई थ्री थ्री सेवन अगर आप वाई थ्री थ्री सेवन कोड को यूज करते हो तो आपको ओनली रुपीज़ वन फिफ्टी में पड़ेगी और पेपर टू के लिए जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आपको सिर्फ साढ़े तीन सौ रुपये में पड़ेगा तो गाइज जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक तो बार एक तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जो भी यूजीसी नेट के लिए तैयारी करे हैं उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उनको परचेज कीजिए पी नहीं है ये पीपीटी की फॉर्म में है गाइज पीपीटी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए